एवी व्हील्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने में कितनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल हुई और कौन सी कंपनी ने किया है टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 से, और 10वें नंबर पर है ओकाया ईवी। अगस्त के महीने में इन्होंने सेल करी है 880 यूनिट्स और जुलाई में इन्होंने 1075 यूनिट सेल की थी। अगर ग्रोथ की बात करें तो इनकी सेल पिछले महीने के मुकाबले कम हुई है। इसका क्या रीज़न है ये तो यही बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 9th नंबर की कंपनी जिसका नाम है बेनेलजी। इन्होंने अगस्त के महीने में सेल करी है 1045 यूनिट्स और जुलाई में सेल की थी 1100 से भी ज़्यादा। तो ओवरऑल इनकी ग्रोथ डाउन हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर की कंपनी की जो कि है रिवोल्ट मोटर्स, जो कि सबकी जानी मानी है। अगस्त महीने में इन्होंने सेल करी हैं 1651 यूनिट्स और जुलाई के कंपैरिजन में इन्होंने 30% सेल कम हुई है। जुलाई की सेल 2320 यूनिट मोटर बाइक थी। तो चलिए बात कर लेते हैं 7th नंबर की कंपनी की जो कि है बजाज इलेक्ट्रिक। इन्होंने अगस्त के महीने में 2554 यूनिट्स की सेल की है और जुलाई में 2437 यूनिट सेल करी थी। इसका मतलब इनकी सेल अगस्त के महीने में बढ़ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं 6th नंबर की कंपनी की जो कि है ओला। वैसे ये सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने वाली कंपनी है और बहुत ही जल्दी सबकी चहेती बन गई थी, लेकिन फिर भी इसकी अगस्त की सेल 3421 यूनिट ही है और कंपेयर करें इसकी जुलाई के महीने की सेल से तो लगभग 400 यूनिट कम है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम नंबर 5th पोजीशन की और इस पर किसने बनाई है जगह। इस पर जगह बना रखे एथर एनर्जी ने। इसकी अगस्त की मंथ की सेल है 5240 यूनिट्स, जिसमें एक मेरी भी है। जी हाँ, एक मेरे में ही ली है एथर। अगर इनकी जुलाई की सेल से कंपेयर करें तो इन्होंने मात्र 1280 यूनिट ही सेल करी थी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अगर हम कंपेयर करें जुलाई और अगस्त को। अब बात कर लेते हैं नंबर 4th की पोजीशन बनाने वाली कंपनी और ये है TVS मोटर्स। अगर इनकी अगस्त की सेल देखें तो इन्होंने 6282 यूनिट सेल की है और जुलाई मंथ में 4290 यूनिट सेल की हुई थी। इसका मतलब इन्होंने जुलाई के मुकाबले अगस्त में लगभग 1992 यूनिट ज़्यादा सेल किए हैं। तो इसके लिए TVS मोटर को शाबाशी ईवी व्हील्स की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3rd पोजीशन बनाने वाली कंपनी की जिसका नाम है एम्पियर इलेक्ट्रिक मोटर्स। इन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन बना रखी है और अगर बात करें इनकी अगस्त की सेल की तो इन्होंने 6096 यूनिट सेल की हैं, ऑलमोस्ट 6400 यूनिट सेल कर चुके हैं और जुलाई मंथ में इन्होंने सब कुछ बस कुछ ही नंबर कम सेल किए थे, जो कि हैं 6320 यूनिट। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे आने वाली कंपनी की जिसने पोजीशन बनाई है और जो है इस पोजीशन की विनर, उस कंपनी का नाम है ओकिनावा। इन्होंने अगस्त महीने की सेल की है 8554 यूनिट्स और जुलाई में 8095 यूनिट्स, लगभग 400 यूनिट ज़्यादा है। ओकिनावा को भी ईवी व्हील्स की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन पर अपना हीरो इलेक्ट्रिक, जिसकी सेल दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ये बहुत ही अच्छी खबर है हीरो इलेक्ट्रिक के लिए। तो इनकी अगस्त महीने में 10210 यूनिट सेल हुई हैं और जुलाई के कंपैरिजन में लगभग 1482 यूनिट ज़्यादा हैं। जुलाई मंथ में इन्होंने 8788 यूनिट सेल की थी। तो इनके लिए ईवी व्हील्स की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले हैं और आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर फेवरेट है। अगर हम बात करें टोटल ईवी स्कूटर की सेल की तो ये लगभग 50,000 का आंकड़ा छू लेती है, वो भी अगस्त महीने के अंदर। अब आ गया है समय आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।